यादव की पत्नी ऐश्वर्या अपने घर से जब रोती हुई निकली तो मीडिया का ध्यान उस तरफ चला गया, क्योंकि उस वक्त मीडिया वाले वहां मौजूद थे और वीडियो वायरल हो गई तो दुख दर्द सभी को पता चला कि ऐश्वर्या कितनी दुखी है। लेकिन इससे पहले ऐश्वर्या कई बार रो रो कर अपने सास ससुर को बता चुकी हैं कि रात में कभी राधा बन जाते हैं और नृत्य करना शुरू कर देते हैं तेज प्रताप, तो कभी नशे में आकर भगवान शिव का रूप धारण कर लेते हैं और तांडव नृत्य करने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत परेशानी होती है। लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था और अब रातों रात जिस तरीके से तेज प्रताप यादव निकल जाते हैं कहीं भी, ये खबर भी उन्होंने बताई थी, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। अब घर का कलह कलेश बाहर आ चुका है, पार्टी पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐश्वर्या राय की शादी बड़े ही धूमधाम के साथ हुई थी और तेज प्रताप यादव के साथ शादी के लिए कई लोगों ने प्रस्ताव रखे थे, जिसमें तमाम लोगों के नाम आते हैं जिनके नाम लेने जरूरी तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही वरिष्ठ हैं और उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था। हम आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय दारोगा प्रसाद राय की पौत्री हैं, जो बिहार के पूर्व सीएम रह चुके हैं और बहुत ही अच्छे जगह से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की है। अब इस मुद्दे पर उन्होंने पहले कई बार कह दिया था कि तेज प्रताप यादव रात में किस तरीके से परेशान करते हैं, अब सच सामने आ गया। पहले कई बार वो बोल चुकी थी कि इस तरीके की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। और अब जो अर्जी दी है तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या को लेकर, हालांकि काफी लंबा वक्त गुजर चुका है और कई डेट्स भी पड़ चुके हैं, तो इस अर्जी में क्या है सीधे सीधे अब ये जान लीजिए। इस अर्जी में ये है कि ऐश्वर्या राय शराबी थी है, ये बातें कहा है तेज प्रताप यादव ने, ये हलफनामे में लिखा है और मारने की भी बात कही है। क्या कोई पत्नी अपने पति को मार सकती है? अगर ये पत्नी ऐसी होती तो इतने दिनों तक अपमान नहीं सहती। जिस तरीके से ऐश्वर्या राय रोती हुई निकली थी अपने ससुराल से और ये वीडियो वायरल हुई, उसके बाद जब मीडिया ने वहां पर जाकर पूछा तो किसी के पास कोई जवाब न मिला। हालांकि दो दिन के बाद तेजस्वी यादव, जो उनके देवर हैं, उन्होंने जरूर कहा कि ये हमारा अंदरूनी मसला है और इस पर किसी को दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी मामला कोर्ट में चल रहा है और देखने वाली बात होगी कि अब क्या कुछ फैसला आता है, लेकिन तेज प्रताप ने जिस तरीके से हलफनामा दिया है उस हलफनामे के हिसाब से तो तेज प्रताप को लेकर जो आरोप ऐश्वर्या ने लगाए थे वो सच साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि तेज प्रताप अक्सर बीती रात वृंदावन मथुरा की गलियों में देखे जाते हैं। SPN 9 न्यूज के लिए शशिप्रिया सिंह की रिपोर्ट।